वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिलनर मोर यूट्यूब चैनल डिजिलनर को समस्त स्वागत करछि। आज वीडियो लेसन रे पढ़ा जे सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म जहाँ कि जेनेरिक इलेक्टिव पॉलिसेंस रो जेनेरिक इलेक्टिव वन पढ़ा जाए जहाँ कि अदर अनर्स पिला पढ़ती पॉलिसेंस अनर्स व्यतीत। आज आम पढ़ा जे फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म जे माने नारीवाद रो समाजवाद तत्व। दि सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म वाज डेवलप्ड और वाज ग्रोन इन लास्ट पार्ट ऑफ दि 20th century विंश शताब्दी रो शेष भाग बेलू समाजवादी नारीवाद रो गुरुत्व बुद्धि पाइला बा सृष्टि होता। समाजवादी नारीवाद मतरे समाज में लिंग भित्तिक विभिन्नता सामाजिक और अर्थनैतिक भिन्न भिन्न संरचना द्वारा संभव होता है। अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट फेमिनिज्म द सेक्सुअल डिफरेंसेस और डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन इज ब्रॉट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। समाज में परिवर्तन किंबा विप्लव द्वारा महिला मान सशक्तिकरण संभव होता है। अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट थ्योरी और सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म द रिवोल्यूशन एंड सोशल रिवोल्यूशन दैट ब्रॉट द वुमेन एम्पावरमेंट इन द सोसाइटी। समाजवादी नारीवाद नारी जीवन व्यक्तिगत और सर्वसाधारण पैदी पर गुरुत्व आरोप करें। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट इज फेमिनिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म ये समाजवादी नारीवाद कौन। समाजवादी नारीवाद मत व्यक्त करे जे समाज रु जदि अर्थनैतिक एवं सांस्कृतिक शोषण दूर हेबो तेबे नारीर मंगल साधन हो पारिबो। अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म इफ द कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वुमेन विल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम सोसाइटी दैट कैन बी वेलबींग फॉर द वुमेन और फीमेल सोसाइटी इन द फीमेल कम्युनिटी इन द सोसाइटी। से मानक मतरे उग्र नारीवादी मान मत सहित एकमत हो पारना जे पुरुष प्राधान्यता नारी शोषण बा लिंग असमान मुख्य कारण अटे। सो दे डू नॉट एग्री विथ द रेडिकल फेमिनिस्ट दैट पैट्रियार्की वाज द ओनली फैक्टर ऑफ वुमेन एक्सप्लॉइटेशन। से मतरे महिला शोषण एक गुरुत्वपूर्ण कारण होची महिला मान आर्थिक निर्भरशीलता और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अपन द मैन। संपत्तिर असमानता आर्थिक उत्सर अभाव जो महिला मैंने पुरुष मान निर्भर करती वुमेन डिपेंड्स अपन द मेल मेंबर सोसाइटी एदर फादर और हस्बैंड और ब्रदर और एनी मेल मेंबर सोसाइटी ड्यू टू फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। सो दैट कैन बी इराडिकेटेड इफ द वुमेन आर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट एंड दे आर इंडिपेंडेंट दे शुड नॉट बी डिपेंड अपॉन द मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी। महिला मैंने पुरुष मानक आर्थिक निर्भरशीलता रहा उचित नुह जदि से मैंने आर्थिक क्षेत्र में निर्भरशील रहते पुरुष मानक से मानको शोषण किया जाए से मानको निर्यातना दि जाए था। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट सम ऑफ दि एक्सपोनेंट ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म समाजवादी नारीवाद केतेक मुख्य प्रवक्ता विषय बर्तमान आलोचना करवा। समाजवादी नारीवाद मुख्य प्रवक्ता मान हेनरी सेंट साइमन चार्ल्स फरियर कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स विलियम थॉमसन ऑगस्ट बेबेल चार्ल्स चॉकलेट पर्किन्स गिलमेंट एंड अदर्स।
the main exponent or advocates of socialist feminism are like Henry St. Simon, Charles Fourier, Karl Marx, Frederick Engels, William Thompson, Augusta Webel, Charlotte Perkins, Gilman, and etc. St. Simon, Robert Owen आदि कल्पनाविलासी समाजवादी माने मत दिखते जे नारी माने दुईपटे शोषण शिकार हमती एक पक्ष राजनैतिक अर्थनैतिक व्यवस्था द्वारा एवं अन्य पक्ष पर शोषण शिकार होता सो दि सपोर्ट ऑफ ऑटोपियन सोशलिज्म लाइक सेंट साइमन आई एम रॉबर्ट ओवेन एडवोकेट दैट द वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड इन टू वेज वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सोसाइटी इन वन साइड इन अदर साइड दे आर एक्सप्लॉइटेड इन द फैमिली और दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय सिस्टम ऑफ पैट्रियार्की और पैट्रियार्कल सोसाइटी तेणु कल्पना विलासी ऑटोपियन समाजवादी माने लिंग भित्तिक सम विभाजन को विरोध करने सहित बहुत नक संतान सतानी मान सामूहिक परिपालन गृह कार्य उभय पुरुष और नारी सहकर्मी भाव कार्य करने सपक्ष मत दिंती सो यह हूँ ऑटोपियन समाजवादी मान मत कल्पना विलासी समाजवादी मत कारण देखा जे को टेस्ट गुड़िक जे आमर समाजवादी नारीवाद को समर्थन करती से गुड़ विषय आलोचना करवा 1972 मसीह चिकागो महिला मुक्ति संघ सोशलिस्ट फेमिनिज्म स्ट्रेटेजी फॉर वुमेन वुमेन नामक एक दलील प्रस्तुत कला जहाँ प्रकाशन प्रथम समाज नारीवाद शब्द को व्यवहार करता सो दिस चिकागो वुमेन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इनिशिएटेड द वर्ड द थीम दैट इज द सोशलिस्ट फेमिनिज्म सो इन हिज द डॉक्यूमेंट्स लाइक सोशलिस्ट फेमिनिज्म स्ट्रेटेजी फॉर वुमेन्स मूवमेंट दैट वाज अ डॉक्यूमेंट ऑफ चिकागो वुमेन्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन दैट डॉक्यूमेंट दैट ऑर्गेनाइजेशन चिकागो वुमेन्स लिबरेशन यूनियन इनिशिएट द वर्ड लाइक समाज सोशलिस्ट फेमिनिज्म एक क्षेत्र में अन्य दुई गुरुत्वपूर्ण पुस्तक है फ्रेडरिक एंजल्स दि ओरिजिन ऑफ दि फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट एंड वुमेन एंड सोशलिज्म वुमेन एंड सोशलिज्म एंड अदर बुक्स लाइक ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट दिस टू बुक्स फ्रेडरिक एंजल्स दिस टू बुक सपोर्टेड फॉर द सोशलिस्ट फेमिनिज्म नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ फेमिनिस्ट सोशलिस्ट फेमिनिज्म समाजवादी नारीवाद विकास क्षेत्र में तीनोटी महिला संगठन गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते संगठन गुड़िक विषय वर्तमान आलोचना करवा प्रथम तो चिकागो महिला मुक्ति संघ बा चिकागो वुमेन्स लिबरेशन यूनियन यही संगठन 1779 मसीह आमेरिका प्रतिष्ठा होता सो चिकागो वुमेन्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन इज ए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लेड इंपोर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म दैट ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 इन अमेरिका सो यार प्रतिष्ठाता थे एन विस्टन भी रेस्टन एच ब्रूथ एवं आर सरेजल यू मान होती मान चिकागो महिला मुक्ति संघर प्रतिष्ठाता यही संगठन अनुजाई लिंगवाद और पर्याक्रमिक भाव क्षमता थिबा पुरुष मैंने महिला मान को शासन प्रक्रिया दूरी रखा निम्ते एक प्रचेषा सो एम मत जे द फीमेल मेंबर ऑफ सोसाइटी और द मेल मेंबर
सॉरी मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी डिप्राइव द वुमेन फॉर कमिंग टू द पावर टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर यह आशा लक्ष्य कार्य भरण पोषण बा प्रतिपादन शिक्षा क्षमता बंटन करी परिवर्तन आनी महिला सशक्त निम्ते आशा पोषण करा यह पखापाखि एक दशंधि लिंगवाद और श्रेणी शोषण भितर संग्राम जारी रखा यही महिला संगठन। नेक्स्ट होची वुमेन्स इंटरनेशनल टेररिस्ट कन्स्पिरेसी सेल यह 1968 मसीह 1969 मसीहा मध्य यही महिला संगठन गुड़िक संगठित होता यही संगठन गुड़िक गरिला युद्ध कौशल और प्रतिवाद कौशल मध्यम जनसाधारण मत को से दावी प्रति आकृष्ट करने चेष्टा कर। नेक्स्ट संगठन हूँ बिग फ्लेम यही बिग फ्लेम ब्रिटेन रे प्रतिष्ठा होता ता 1970 मसीह लिवरपूल प्रतिष्ठा होता ब्रिटेन लिवरपूल प्रतिष्ठा होता यह एक विप्लवी राजनीतिक दल प्रतिष्ठा करा। सो बिग फ्लेम इज वन ऑफ द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लेड इंपोर्टेंट रोल फॉर द सोशलिस्ट ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सो दैट बिग फ्लेम ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड इन ब्रिटेन इन 1970 एंड इट अटेम्प्टेड एंड इट सपोर्टेड फॉर फॉर्मिंग ऑफ ए रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी इन ब्रिटेन यह ब्रिग फ्लेम नामक एक मैगजीन एवं रिवोल्यूशनरी सोशल नामक एक जर्नल प्रकाश कर संगठन समाजवादी नारीवाद मार्क्सवादी नारीवाद सहित एक मत दे उदारवादी नारीवादी मानी समाज गभीर प्रदेश को न जा नारी प्रकृत शोषण कारण को अवलोकन नक केवल उच्च मध्यम श्रेणी महिला मान उत्थान यह चिंता कर। नाउ शैल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द सोशलिस्ट फेमिनिज्म। फर्स्ट होची अर्थनैतिक और सामाजिक शोषण समाप्त एंड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। सो इफ सोशल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन सोसाइटी सोशल इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इज कंप्लीटेड देन वुमेन आर एम्पावर्ड एंड दैट कैन बी दैट इज द मेन थीम ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म। महिला समाजवादी नारीवाद महिला मान अर्थनैतिक और सामाजिक शोषण समाप्त करिवारे सक्षम होता है यह मात्राधिक विप्लवी किंवा उग्रवादी पंथा अवलंबन सपक्ष न थाए। नेक्स्ट होची पूंजीवादी समाज में महिला शोषण। सो अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स और एक्सपोनेंट ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज्म द कैपिटलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी और इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम द वुमेन कम्युनिटी और फीमेल कम्युनिटी आर एक्सप्लॉइटेड। सो कैपिटलिज्म इज द मेन कॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पूंजीवादी समाज में पुरुष प्राधान्य रही था। सो दे सेज दैट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी दे इज द पैट्रिकल सिस्टम एंड पूंजीवादी समाज में महिला शोषण संगठित थाए पूंजीवाद पतन द्वारा महिला शोषण समाप्त होता है यह समाजवाद नारीवाद मुख्य नीति अटे। नेक्स्ट इज द आत्मनिर्भरशीलता और सेल्फ रिलायंट फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट जी दी वुमेन शुड बी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑन द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे शुड नॉट बी बेग्ड फॉर द वुमेन व्हाट दे रिक्वायर्स फाइनेंशियल रिक्वायर्स। सो वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड इफ द वुमेन आर फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट देन दे विल बी एम्पावर्ड एंड दे विल बी फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मेल मेंबर सोसाइटी। महिला शोषण एक गुरुत्वपूर्ण हूँ महिला मान आर्थिक निर्भरशीलता और फाइनेंशियल डेफिशिएंसी संपदर असमानतार आर्थिक उत्सर अभाव जो महिला मैंने पुरुष मान निर्भर करते। नेक्स्ट हूँ पुरुष प्राधान्यता इज नॉट ओनली जे पुरुष प्राधान्यता एक मुख्य कारण नुह पैट्रिक इज नॉट ओनली रीजन देर आर सो मेनी रीजन्स दे आडभकेट मानने समाजवादी नारीवादी मानी जुक्ति करते उग्र नारीवादी मान मत सहित एकमत हो पुरुष प्राधान्यता
নারী শোষণর বা লিঙ্গ অসমতার মুখ্য কারণ অটে। নেক্সট এটা পুঁজিবাদ নারী শোষণ পাই দায়ী, সো ক্যাপিটালিজম রেসপন্সিবল ফর দ্য ওমেন এক্সপ্লয়টেশন। মহিলা সমাজরে এক গুরুত্বপূর্ণ মহিলা শোষণর এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হেউচি পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদর পতন ও বিলোপ সাধন দ্বারা মহিলা শোষণ সমাপ্ত হয়ে। নেক্সট ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ সোশিয়ালিস্ট ফেমিনিজম। নাও উই শ্যাল ডিসকাস সম অফ দ্য ক্রিটিসিজম অফ সোশিয়ালিস্ট ফেমিনিজম। সোশিয়ালিস্ট ফেমিনিজম ইজ নট ফ্রি ফ্রম ক্রিটিসিজম অ্যান্ড ইট ক্যান বি ক্রিটিসাইজ অন দ্য ভেরিয়স গ্রাউন্ডস। ফার্স্ট, সমাজবাদ নারীবাদ মহিলা মানুষের অর্থনৈতিক সামাজিক শোষণ সমাপ্ত করবার সক্ষম হয়ে কারণ এ মাত্রাধিক বিপ্লবী কিংবা উগ্রপন্থা নীতি অবলম্বন করে আসুনা। দ্বিতীয়ত, উগ্র নারীবাদী মানে মধ্যে সমালোচনা করছেন, সে মতরে পুরুষ প্রাধান্যতা সবু সমাজ রয়েছে, এ কেবল পুঁজিবাদ সমাজ থাকে এ কহা যুক্তিত নুহে, যা কি সমাজবাদ নারীবাদী মানে যুক্তি করতে। তেমন কেবে পুঁজিবাদী সমাজের মহিলা শোষণ সংগঠিত থাকে কহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক অটে। পুঁজিবাদ পতন দ্বারা মহিলা শোষণ কাহিনী পরিসমিত হয়ে এহা সমাজবাদ নারীবাদর মুখ্য নীতি, কিন্তু বাস্তবে এহা এক অনুমান। যে কারণগুলি যোগ মহিলা শোষণ সংগঠিত থাকে সে বিষয়ে সঠিক বিবরণী সমাজবাদী নারীবাদ দিয়ে। থ্যাংক ইউ ভেরি মচ। ইন নেক্সট ভিডিও উই শ্যাল ডিসকাস অবাউট ইকো ফেমিনিজম। সো এগেইন আই রিমাইন্ড ইউ টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড মাই চ্যানেল ফর ফার্দার ভিডিও ফর ইন দ্য ফর দ্য স্টুডেন্টস অফ অনার্স ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স। থ্যাংক ইউ ভেরি মচ। থ্যাংক ইউ। আসে কোন কদিন লিখবেন আসে।